फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपनी एक साइट पे लेके चलता हूँ जहां पे विंडो के ऊपर इस तरह की जेब्रा ब्लाइंड्स हमने लगाई है। तो ये जेब्रा ब्लाइंड्स किस तरह से लगाई जाती है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं साइट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जो इसे फैक्ट्री है, तो ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर लगाई जाएगी जेब्रा ब्लाइंड। और इसका सही से मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, मैंने मेजरमेंट की भी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से विंडो ब्लाइंड का मेजरमेंट लिया जाता है। तो आइए दिखाते हैं इसका इंस्टॉलेशन। तो ये आप देख सकते हैं मेजरमेंट लेने के बाद ये पैक होके आई है पूरी तरह से, तो पूरा पैकिंग होके आई है, पूरी ब्लाइंड्स रेडी होके आई है। तो सही मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप विंडो ब्लाइंड्स कहीं भी लगवाएं तो आपके पास सही मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड्स को खोल लिया गया है और अब ब्लाइंड्स को लगाया जाएगा। लगाना बहुत ही आसान है, इसमें लगाने के लिए जो एल ब्रैकेट आते हैं वो भी ब्लाइंड्स के साथ ही मिलेंगे, बाकी पेच और ड्रिल मशीन तो ये जो भी इंस्टॉलर है उनके पास होनी ही चाहिए। तो ये अलग अलग साइज़ में है, तो ये लगाई जाएंगी। तो बने रहिए, आप देखिएगा पूरा इंस्टॉलेशन कैसे लगाई जाएगी और लगने के बाद कैसा लुक देती है ये भी आप देखिएगा। तो ये देख सकते हैं ये इस तरह के एल ब्रैकेट, तो ये एल ब्रैकेट यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ये एल्युमिनियम के सेक्शन पे लगाया जा रहा है, तो पहले इसमें एल्युमिनियम में एक हल्का सा होल कर लिया जाएगा और उसके बाद पेच लगा के, ये आप देखिए पहले होल कर लिया गया है और अब पेच लगा के ये एक जो है ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं एल ब्रैकेट लगाया जा रहा है। लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो भी आपका सेक्शन हो बिल्कुल सीधा लगे, जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल सीधे लगे। तो आप ये देखते और मजबूती से लगे, टाइटली पेच अच्छे से मजबूती से टाइट हो जाए कि किसी भी तरह के ब्लाइंड्स का वेट इस पर हो तो ये निकले ना पेच। तो ये आप देख सकते हैं एक लगा दिया है, उसी तरह से एक यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये जो ब्लाइंड्स है इसमें दो लगाए जाएंगे, दो ब्रैकेट लगाए जाएंगे और उनके ऊपर ये ईजिली हैंग हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी पहले एल्युमिनियम का सेक्शन है तो होल कर लिया गया है, बाकी अगर दीवार में लगाते हैं या सीमेंटेड जो है विंडो है उसमें लगाते हैं तो उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल करके और उसके बाद लगा दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी वाली जो क्लिप है, ये आप देख सकते हैं एल ब्रैकेट, ये भी ब्लाइंड्स के साथ ही आता है और ये आप देख सकते हैं ये भी टाइट करके लगा लिया गया है। ये चीज़ ध्यान कर लें कि अच्छे मजबूती से लगे जो ब्रैकेट है। और अब आप देख सकते हैं ये जो है ब्लाइंड्स जो रेडी होके आई है उसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं लगा लिया है और ये लग चुकी है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, वो ब्रैकेट जो लगे हैं एल वो इसी तरह के होते हैं कि उसमें इजीली फंस जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जेब्रा ब्लाइंड, तो ये आप देख सकते हैं बाकी सारी ब्लाइंड्स भी लगा दिए। लगाने के बाद इस तरह का पूरा लुक आया है, तो आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको पूरा भी ऊपर कर सकते हैं और पार्शली थोड़ा देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ऊपर कर लिया है, पूरी फैक्ट्री का लुक आप ले सकते हैं। और आप कभी आप चाहते हैं कि आप नहीं देखना चाहते बाहर का कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं पूरी तरह, और पार्शली थोड़ा देखना चाहते हैं तो उस तरह से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये जेब्रा ब्लाइंड्स लगने में भी दिखने भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और जो है बने रहिए वीडियो में, तो मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ कि क्या प्राइस में ये जो ब्लाइंड्स हैं ये जो है पर स्क्वायर फिट के रेट में क्या आ जाती हैं और विद इंस्टॉलेशन क्या कॉस्ट में ये पड़ जाती हैं। बाकी अलग अलग तरह की ब्लाइंड्स आती हैं, जेब्रा ब्लाइंड्स आती हैं, रोलर ब्लाइंड्स आती हैं, मोटराइज्ड ब्लाइंड्स भी आती हैं, तो उनकी भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर जेब्रा ब्लाइंड्स लगवाना चाहते हैं तो इसमें आपको रेट का भी और पूरा इंस्टॉलेशन का मैंने आपको दिखाई दिया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तो मेजरमेंट सही लें, दूसरा ब्लाइंड्स बिल्कुल सीधी लगे और तीसरा ब्रैकेट मजबूती से लगे। इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ब्लाइंड्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा ये अलग अलग तरह की ये ब्लाइंड्स हमने लगाई, तो ये बेसिकली तीन पार्ट में लगाई है। पूरी जैसे लंबी विंडो थी तो तीन पार्ट में इसलिए लगा, एक तो ऑपरेशन इजी हो और दूसरा बीच में जो ये आपने देखा सेक्शन आ रखे थे तो जो गैपिंग का एरिया वो सेक्शन में आए, जो दो ब्लाइंड्स अलग अलग लगाई वो सेक्शन में आ जाए, तो इसलिए ये तीन पीस में बनवा के हमने लगवाई। और बात करेंगे क्या प्राइस में हमने इंस्टॉल करके दी, तो ये तीनों ही ब्लाइंड्स का मिला के जो है हमारा 46 स्क्वायर फीट एरिया था और 340 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने ये पूरी इंस्टॉल करके दी। तो टोटल इन तीनों ब्लाइंड्स की जो कॉस्ट आई वो 15,500 रुपए में हमने ये तीनों ही लगा के इंस्टॉल करके दी। तो फ्रेंड्स,
ये तो हमने ये वाली दी, बाकी अलग अलग फैब्रिक आते हैं इसके, तो प्राइस उसी हिसाब से अप या डाउन होता है। तो ये होने को तो बहुत ही अलग अलग, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमने SSG ब्रांड की हमने लगा के दी, तो ये अलग अलग फैब्रिक आप देख सकते हैं जेब्रा ब्लाइंड्स के, तो उसी हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। और अगर रोलर कराते हैं तो और कम में भी हो जाती है, ये रोलर ब्लाइंड्स के फैब्रिक है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या प्राइस में आप जो है कराना चाहते हैं। तो ये मैं हमने जो है बढ़िया क्वालिटी की अच्छी प्रीमियम रेंज की ब्लाइंड्स जेब्रा ब्लाइंड्स लगा के दी, जो कि 15,500 में इंस्टॉल हुई। बाकी आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे थ्रू। बाकी ब्लाइंड्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये तो जेब्रा ब्लाइंड्स थी। अगर रोलर ब्लाइंड्स के बारे में या मोटराइज ब्लाइंड्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो वो वीडियो भी आप देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर लगता है ये आपके काम की या आपके किसी जानकार के काम की है तो ये वीडियो ने शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।